हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिजिक्स में वेव्स वाले चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे वो हम सारे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वेव्स में नीट जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसमें सबसे पहला आता है वेव प्रोपगेशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि वाई इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसमें ओमेगा जो होता है वो होता है टू पाई एफ एंड के होता है टू पाई बाई लेमडा। इसी से डेराइव होकर हमारी बनती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जिससे जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये इक्वेशन याद रखनी है वाई स्क्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट टू पाई ब्रैकेट में टी बाई टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा प्लस फाई। यहाँ पे आपको फाई का याद रखना है कि ये फेज डिफरेंस होता है फाई टू माइनस फाई। इसमें दो फेज दिए रहेंगे आपको, उसका फेज डिफरेंस निकाल लेता है होता है, और डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं डेल्टा एक्स वाली नेक्स्ट इक्वेशन पे अपनी। तो वो होती है डेल्टा एक्स आपको निकालने के लिए आता है तो वो होता है लेमडा अपॉन टू पाई इन ब्रैकेट फेज डिफरेंस वाला। नेक्स्ट जो हमारे नीट में सबसे ज़्यादा वेव्स में क्वेश्चन आता है वो इक्वेशन होती है वाई स्क्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स। पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी टी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इक्वेशन ये जो लिखी थी वही लिखी है, बस इसमें ओमेगा एक और है एडेड है। यहाँ पे देखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे ए ओमेगा साइन ओमेगा इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा ए ओमेगा, बस इतना ही, ये सब हट जाएगा। वेव वेलोसिटी निकालने के लिए वी इक्वल टू ओमेगा बाई के हो जाता है। नीट में एक बार जो क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि साउंड वेव्स इन एयर जो होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रिवरबरेशन टाइम पे। तो रिवरबरेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन ऑडिटोरियम बिकम वन मिलियंथ ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। मतलब जब इंटेंसिटी साउंड की जो होती है वो इनिशियल इंटेंसिटी के वन मिलियन हो जाएगी तो उसे हम रिवरबरेशन टाइम कहते हैं। इसमें जो फार्मूला लगता है वो होता है टी आर इज़क्वल टू के वी अपॉन डी एस इज़क्वल टू वन। और एक फार्मूला होता है टी आर इज़क्वल टू के एल क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स अल्फ़ा एल स्क्वायर, के एल क्यूब अपॉन सिक्स अल्फ़ा एल स्क्वायर। तो इसमें एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो बचेगा वो है के एल अपॉन सिक्स अल्फ़ा। तो इससे आपको पता चल जाएगा टी आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और अगर डायमेंशन डबल होगा तो रिवरबरेशन टाइम भी डबल हो जाएगा। इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमिडिटी एंड स्पीड के रिलेशन में। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेगी तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होगा वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड एंड टेम्परेचर में रिलेशन। तो सी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। नेक्स्ट आपको याद रखना है विद द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू द मटेरियल मीडियम एनर्जी अलोन इज़ प्रोपोगेटेड। इससे भी एक बार नीट में क्वेश्चन आया था तो ये भी आप याद रखिएगा कि एनर्जी अलोन प्रोपोगेट करती है अगर प्रोपोगेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव का मटेरियल मीडियम के थ्रू। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालने के लिए आता है तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टी बाई फोर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर वेलोसिटी पूछा जाता है किस पे डिपेंड करती है तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी जो डिपेंड करती है डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द गैस पे। नेक्स्ट जो आप किसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप की जो इक्वेशन पूछी जाती है वो मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ, आप नोट करते जाइएगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जिसमें एयर कॉलम वन एंड से क्लोज होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है एल इक्वल टू इन ब्रैकेट टू एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज उसके बाद लेमडा बाई फोर, एन यहाँ पे है जीरो वन टू। फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी इक्वल टू टू एन माइनस वन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज उसके बाद वी अपॉन फोर एल। नेक्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी जीरो इक्वल टू वी अपॉन फोर एल। और यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू रखेंगे वन तो हम फर्स्ट ओवर टू एन फ्रिक्वेंसी जो हमें मिलेगी वी वन इक्वल टू थ्री वी अपॉन फोर एल, तो ये इक्वल हो जाएगा थ्री वी जीरो की। वी जीरो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, और वी जीरो का मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था वी अपॉन फोर एल होगा, तो यहाँ पे थ्री वी जीरो हो जाएगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की। नेक्स्ट हम चलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की। तो ओपन ऑर्गन पाइप जो होती है वो भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जहाँ पे
एयर कॉलम दोनों छोर से ओपन होते हैं, ओपन एट बोथ द एंड्स। इसमें जो सबसे पहला फार्मूला आपको याद रखना है वो है एल स्क्वायर टू एन एन लेमडा अपॉन टू। एन जो यहाँ पे वैल्यू होगी वहाँ पे 1, 2, 3 रखी जाएगी। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा वो होगा एन म्यू एन वी अपॉन टू एल, मतलब फ्रीक्वेंसी म्यू का फार्मूला हो जाएगा एन वी अपॉन टू एल, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का म्यू नॉट स्क्वल टू वी अपॉन टू एल। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ओवर टर्न फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी वी वन स्क्वल टू टू वी अपॉन टू एल स्क्वल टू वी अपॉन एल, तो यहाँ 2V0 की इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी 2V V1 इक्वल टू 2V0, मतलब यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट ओवर टर्न फ्रीक्वेंसी मिल रही थी वो होती है 3V0, यानी 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। यहाँ पे जो ओवर टर्न हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 2V0 की इक्वल होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी के फार्मूले पे। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू अंडर रूट अपॉन टी अपॉन एम। एक और फार्मूला जिससे नीट में क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद रखना है, एन इक्वल टू 1/2L इन ब्रैकेट अंडर रूट टी अपॉन एम। नेक्स्ट हम चलते हैं बीट्स पे। तो बीट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 2FV/C। सी जो होती है यहाँ पे स्पीड है। नंबर ऑफ बीट्स निकालने के लिए आपको माइनस कर देना होगा F2 - F1 से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला निकाला कैसे है कि यहाँ पे डेल्टा F/F इक्वल टू V/C होगा। तो इससे ये इम्प्लाई करेगा कि बीट को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू V/C, और उसके बाद हमने बीट्स यहाँ से निकाल ली कि बीट ये देखिए यहाँ नीचे 2 रहेगा 2VF, यहाँ से ये 2F यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2FV/C। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन का फार्मूला होगा DT/T इक्वल टू 2N/F। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं यहाँ से, जो है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट होता है वो होता है अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। इसमें जो सबसे 6 केसेस रहते हैं हमारे, तो हम सारी केसेस को एक एक करके देख लेते हैं। जब यहाँ पे सबसे पहला जो केस होता है वो होता है जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे हों टुवर्ड्स ईच अदर। तो उसमें जो फार्मूला लगेगा वो है एफ अपेरेंट इक्वल टू एफ जीरो इन ब्रैकेट वी प्लस वी जीरो ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डिवाइडेड बाई V - VS। तो यहाँ पे जो V है वो है स्पीड ऑफ साउंड, VS है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, V0 है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। नेक्स्ट जो फार्मूला आपको याद रखना है वो है कि जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो इसमें जो फार्मूला लगता है वो होता है एफ अपेरेंट इक्वल टू एफ जीरो ब्रैकेट में V - V0 अपॉन V+VS। नेक्स्ट हम देखते हैं जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो और सोर्स मूव टुवर्ड्स इट कर रहा हो, मतलब सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा एफ अपेरेंट इक्वल टू एफ जीरो इन ब्रैकेट V/VS, और यहाँ पे V0 है वो जीरो है, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, तो इसलिए हमने V0 को जीरो रखा हुआ है। नेक्स्ट केस पे हम चलते हैं जब सोर्स स्टेशनरी हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो इसकी तरफ। तो यहाँ पर एफ अपेरेंट जो होगा वो होगा F0 इन ब्रैकेट V+V0/V। नेक्स्ट जब VS इक्वल टू V0 इक्वल टू U हो जाए और साउंड रिफ्लेक्टेड हो जाए इको में, तो इससे उस समय पे एफ अपेरेंट का जो फार्मूला लगेगा वो होगा F0 इन ब्रैकेट V+U डिवाइडेड बाई V - U। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड निकालने के लिए जो फार्मूला लगता है वो होता है λ/2 इक्वल टू V/2N। इससे भी नीट में क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया। अपना आपसे देख के चले जाएंगे तो वेव से जो आपके एक दो न्यूमेरिकल आते हैं वो इन्हीं फार्मूले से हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।